नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित नौकरी जोन में आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लाया हूं, यह है दोस्तों आपका झारखंड स्टेट से आपके मॉक टेस्ट का पहला भाग। मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि आप लोगों के लिए मैं झारखंड स्टेट से संबंधित एक मॉक टेस्ट लाऊं, और ये मुझे पता चले कि आपको कितना पता है, तो मैं ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ दोस्तों आज से। और मुझे उम्मीद है यह आपको जो सीरीज है वह काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आएगा। यह सीरीज आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों, आप लाइक करके बता सकते हैं, और आप चाहे तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों का रिस्पॉन्स से पता चल जाएगा कि ये टेस्ट सीरीज जो है वो आपका मुझे चालू रखना चाहिए कि मुझे बंद कर देना चाहिए। यदि आप लोगों की तरफ से एक अच्छी प्रतिक्रिया आती है, रिस्पॉन्स आता है आप लोगों की तरफ से एक अच्छा, तो मैं इस जो सीरीज में चालू किया हूँ आज से वो चालू रहेगा। नहीं तो यदि अच्छी प्रतिक्रिया नहीं आती आप लोगों की तरफ से तो इसे मुझे बंद करना पड़ेगा और बाकी जो सीरीज चल रहा है उसको मैं कंटिन्यू रखूँगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि क्या रिस्पॉन्स है आप लोगों का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आपका पहला क्वेश्चन से। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, भंवरिया नृत्य किस अवसर पर आपका जो है आपका किया जाता है भंवरिया नृत्य। दोस्तों आप हमें बताइए कि आपको इसमें से कितना आंसर आपको पता है। आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपका जो मैं ये आंसर बता रहा हूँ, ये आपके जो क्वेश्चन है वो कितने का आंसर आपको पता है। आप एकदम ऑनेस्टली आप हमें बताइएगा। चेक करते हैं कि आप लोगों का झारखंड का जो आपका जनरल नॉलेज है वो कितना स्ट्रांग है। इसी तरह मैं आपका एक या दो दिन के अंतराल में ये मॉक टेस्ट लाते रहूँगा, और आपका रिस्पॉन्स से ही पता चल जाएगा दोस्तों कि मैं ये सीरीज सही चला रहा हूँ कि नहीं चला रहा हूँ, ये मुझे आगे चलाना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये पता चल जाएगा। आप लोग जब कमेंट और लाइक करके हमें बताएंगे। तो पहला है आपका, भंवरिया नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर आपका जन्मोत्सव के अवसर पर आपका किया जाता है। अगला है आपका, रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी क्या थी। तो आपका था रामगढ़। आगे है दोस्तों आपका कि संथाल लोगों के प्रेम और विवाह विषय गीत को क्या कहा जाता है। तो संथाल जो जनजाति है वो उसके प्रेम और विवाह विषय जो गीत को आपका दोड कहा जाता है, दोड। नेक्स्ट है आपका कि कोल्हन गवर्नमेंट स्टेट का गठन आपका कब किया गया। कोल्हन गवर्नमेंट जो आपका स्टेट का गठन आपका 1837 ईस्वी को किया गया। अगला है आपका, अंग्रेजों ने संथाल विद्रोह से बचने के लिए पाकुड़ के किस टावर का निर्माण कराया था। तो आपका पाकुड़ में आपका मार्टिलो टावर का निर्माण कराया था। अगला है आपका, संथाल विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने पाकुड़ की किस रानी से सहायता मांगी थी। तो आपका क्षेमा सुंदरी जो महारानी थी आपकी पाकुड़ की, उससे आपका जो है सहायता मांगी थी। अगला है आपका, मुंडाओं के आखेट विषयक लोकगीत को क्या कहा जाता है। तो मुंडाओं के आखेट विषयक जो लोकगीत होता है दोस्तों उसको जपी कहा जाता है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि क्वेश्चन में जो भी पेपर आता है आपका JSSC में, उसमें जनजातियों से संबंधित बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज में क्वेश्चन रहता है। तो मैं वो भी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के जनजाति से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं करवा सकूँ। अगला क्वेश्चन है आपका कि वीरभूम जो है आपका संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। वीरभूम में जो संथाल विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था, वो आपका गोरा मांझी जी ने किया था। अगला है आपका, संथाल विद्रोह का दमन किसने किया। तो संथाल विद्रोह का जो दमन किया था वो था जनरल लॉयड नाम है उनका। अगला आपका, संख्या की दृष्टि से मतलब जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, ये आपको पता ही होगा, संथाल जनजाति है इसका राइट आंसर। अगला है आपका, हेरो तथा नोमनामा लोकगीत का संबंध किस जनजाति से है। तो हेरो तथा नोमनामा लोकगीत का संबंध आपका हो जनजाति जो है दोस्तों, हो जनजाति उससे है आपका। अगला है आपका, झंझाइन गीत किस अवसर पर गाया जाता है। तो दोस्तों झंझाइन जो गीत है वह आपका जन्मोत्सव के अवसर पर गाया जाता है। अगला है आपका, झारखंड में विद्युत नियामक आयोजन का गठन कब किया गया। तो झारखंड में विद्युत नियामक आयोजन का गठन अगस्त 2002 को किया गया।
आगे है दोस्तों कि आपका झारखंड में न्यूनतम जनजाति आबादी वाला जिला कौन सा है। दोस्तों इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको पता है कि नहीं। और जिनको पता नहीं है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, या फिर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जो भी कमेंट दिए गए उसे आप पता कर सकते हैं। अगला है आपका, किस वाद्यंत्र को झारखंड वायलिन के नाम से जाना जाता है। झारखंड के वायलिन के नाम से आपका केंद्रीय जो होता है उसको आपका जाना जाता है। आपका झारखंड का राजकीय दिवस कौन सा है, तो आपको पता ही होगा 15 नवंबर को जो बिरसा मुंडा की जन्मदिवस के अवसर पर भी ये मनाया जाता है। इसके बाद आपका मुंडारी ग्रामर के लेखक कौन थे, मुंडारी ग्रामर के लेखक थे ए नोटटोट्स नाम है इनका। इसके बाद है SPT यानी संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट में किसी खास ग्राम के प्रधान की नियुक्ति करने का अधिकार किसे है, तो उपायुक्त यानी DC को है धारा 5 के अंतर्गत संथाल परगना एक्ट में। अगला है आपका, ग्राम प्रधान को पदांतरण का किसी प्रकार का अधिकारी जो है नहीं होगा, यह प्रस्ताव SPT एक्ट का कौन सी धारा में है। अधिकार नहीं होगा, यहाँ पर होगा अधिकार नहीं होगा, ग्राम प्रधान जो होगा उसका पदांतरण का किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा, यह प्रस्ताव संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट का कौन सी धारा में है, आपका धारा 9 के अंतर्गत आपका ये लिखा हुआ है। अगला है दोस्तों कि कोई जमीन जो खेवट खतियान में अधिकार अभिलेख में दर्ज न हो, मूल रेयत की निजी जोत सरकारी जोत के रूप में नहीं मानी जाती, उसका वर्णन SPD एक्ट में किस धारा में है। मतलब जो भी कोई भी जमीन हो जिसका खेवट खतियान में आपका कोई भी दर्ज न हो, मूल रेयत की जो निजी जोत होगा जो आपके सरकारी जोत के रूप में नहीं मानी जाती, उसका वर्णन संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट में किस धारा में किया गया, आपका धारा 10 के अंतर्गत आपका ये लिखा गया है। अगला है आपका, झारखंड में आपका राज्यसभा हेतु सदस्यों की संख्या कितनी, आपका 6 है, लोकसभा के लिए आपको है आपका 14, टोटल जो आपका है संख्या जो है आपका संसद में वो आपका 20 है। अगला है, शहीदों का नगर किसे कहा जाता है, आपका रांची शहर को कहा जाता है शहीदों का नगर। अगला है आपका दोस्तों कि झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, आपका है 2.42% दोस्तों, और जो दुनिया में भारत का जो परसेंटेज है आपका वो सेम है, यही है 2.42। अगला आपका, बाइबल का नागपुरी में अनुवाद किसने किया था, तो बाइबल का नागपुरी में अनुवाद किया था पी एडनेट्स ने किया था। इसके बाद आपका, शाहबाद के किस क्रांतिकारी का पदार्पण खरौंदी जो आपका पलामू में स्थित है में हुआ था, तो आपका बाबू अमर सिंह के द्वारा। इसके बाद आपका, राज्य सरकार का जनसंपर्क अधिकारी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर कौन होता है, तो राज्य सरकार का जनसंपर्क अधिकारी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर आपका मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी होता है। अगला है आपका, 1857 के विद्रोह के समय किस नायक पर इनाम था, तो पोरहाट के राजा अर्जुन सिंह के ऊपर आपका इनाम था। अगला है आपका, 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजी फौज को रोकने के लिए कहाँ का मार्ग शेख भिखारी ने अवरुद्ध कर दिया था, तो आपका चुटुपाली घाटी का जो आपका मार्ग था वो अवरुद्ध कर दिया था। नेक्स्ट है आपका, संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित, वह आपका दुमका में। अगला आपका, सिंधु कानू यूनिवर्सिटी जो है आपका विश्वविद्यालय आपका कहाँ स्थित, ये भी आपका दुमका में है। और संथाल परगना में दोस्तों आपके 6 जो है आपके जिले हैं वहाँ पे, याद रखिएगा संथाल परगना में। तो दोस्तों ये सीरीज आपको कैसा लगा, इसी तरह के और भी सीरीज देखने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये इसी तरह का सीरीज चाहिए, तो मैं हर प्रत्येक 1 या 2 दिन के अंतराल में इसी तरह का मॉक टेस्ट डालते रहूँगा ताकि आप लोगों को स्ट्रांग बना सकूँ झारखंड GK में। तो आज का वीडियो के लिए धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।